आए दिन टू व्हीलर वाले नीचे गिर रहे हैं यहाँ पे। वॉक में जाते हैं तो जा ही नहीं सकते, रोड तैयार कराओ नहीं तो उन्हें कह दीजिए फटेला होटा। वो बनवाने के लिए बोलते हैं, वो तो छोड़ो, जो बनी हुई थी उसको खराब करके छोड़ दिया और बनाने का कोई नामो निशान ही नहीं है। हमारे बाहर में काम ही नहीं होता है, सत्य तो बाहर वजह से खारिज बाहर है क्या? बाहर जी बोर दीजिए, बाहर जी बोर दीजिए, जवान क्या मैं जानू को नहीं दब देने गिरे पिसल के। हम बोल रहे हैं कि आप ऐसे कीचड़ से आए तो मैं आपको स्कूल से बाहर कर दूंगी। टैक्सेस टाइम पे लेते लेकिन काम कुछ करती नहीं है गवर्नमेंट। खमा गणी, मैं गरिमा और आप देख रहे हो झलको जोधपुर। और आज मैं आएगी हूँ आपने जी को आप कृषि मंडी जी को चौराहे और आगे आवा हाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल रे आगे आ नयापुरा रोड में वार्ड नंबर 77 जी को माइली मंडाव तापा कहवा हाँ वो एरिया में आएगी हूँ। और अटे मारू कंप्लेन करी ही वंदना गहलोत जी की अटे रोड री बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और बारिश आवे तो अटे रोड री जी की हालत वो और भी बुरी हो जावे है। ए लोग कह रहे हैं कि जुलाई में कहे हो कि रोड ने चौमासा तक ठीक कर डाला पर अबार तक भी ठीक नहीं हुई है। क्यों है लोग इतना परेशान कही जा रही है फाइनली प्रशासन, और प्रशासन क्यों नहीं सुन रहे यानी और देखा ला आज रे वीडियो में। ये रास्ता काफी दिनों से क्या काफी महीनों से बंद पड़ा है और इस कदर बंद पड़ा है, बारिश में तो यहाँ पे कोई चल भी नहीं सकता था। कई बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल के बच्चे भी आ जा रहे हैं, कोई अंदर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई सुनवाई नहीं है। एक भी नेता ये नहीं है कि आगे बोलते हैं भाई ये रोड आज ये दीपावली आ गई है तो इसको रिपेयर करवाया है वो करवाया, कुछ भी नहीं है, कोई भी तरीके से एक्शन नहीं है। यहाँ के लोकल पार्षद उनको बोलते हैं भैया मैंने आगे कंप्लेन कर दी, कोई सुनवाई मेरी भी नहीं हो रही है। पब्लिक परेशान, अभी ये चल रहा है इसको खड्डा बना रहे हैं, यहाँ पे जहाँ अपन खड़े हैं ना यहाँ से 2-3 फीट गहराई में खड्डा बना रहे हैं कि अंदर खोद के इसको रोड बनाएंगे, 3 फुट नीचे बैठाएंगे तो ये भी नुकसान हो जाएगा, हमारा पूरी मोहल्ला ये नदी बन जाएगा। तो इसके बारे में कंप्लेन किया था, मुख्यमंत्री को किया था पर कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा दिन नहीं गया कि यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हुआ इस रोड पे, या आदमी पिसल के नहीं पड़ा। हम परेशान हो जाते, थोड़ा पानी गिरते ही आने जाने का रास्ता ही बंद हो जाता है, हम कहाँ जाते हैं कहाँ करते हैं। अनुभव नीचे बढ़ते ही मैं तो पानी ढूंढते ही नीचे बढ़ो, सब जिना बच्चा गिर रहा, मैं गिर रहा हूँ, मार दो मैं सब गिर रहा हूँ। स्कूटर चलाने वाली औरतें भी बहुत गंदी हो जाती है। गिर गए मैं अभी घर पे बैठा हूँ, गिर गए मैं 6 महीने हुए घर पे, कौन खर्चा देती है सरकार? हमारे कमर में दर्द हो जाते हैं, खड्डे में पैर गिर जाते हैं। ये रोड वो वहाँ से खोद के वो आगे वाली रोड नीचे ली है तो उस रोड पे एक भी आदमी पैदल नहीं बह सकता, टू व्हीलर वाला बरसात के मौसम में नहीं चल सकता वहाँ पे, इतना पानी। मैं खुद यहाँ गिर गई, मेरे को उठाने वाला कोई नहीं था, मैं खुद गिर गई यहाँ पे। और हमारे घर में ये सामने वाला मेरा घर है, यहाँ अंदर व्हीकल डालने और बाहर निकालने परेशानी होती है, अंदर जाते हैं सब वो कीचड़ उछलता सब घर भर जाता है सारा। 9 महीने से बहुत दुखी हूँ, 9 महीने से यहाँ पे आए दिन इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, अब भी सुनवाई नहीं की तो विशाल धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा यहाँ पे, बच्चे सब धरने पे बैठेंगे, सब रोकनी पड़ेगी, रास्ता जाम करना पड़ेगा। हम प्रशासन को चेता रहे अभी कि अभी हमारी जो मौजूदा हालत में जो रोड है इस पे अब आप सफाई करवा के कार्य लगवा दो, हमारी रोड सही करवा दो, नहीं तो हमें बड़ा उधर का पानी, उधर का पानी नदी का, उधर का इधर ला के डाल रहे, उधर रास्ता नहीं है नदी का पानी डालने के लिए, उधर से वाला मोहल्ले का पानी इधर ला रहे हैं तो वो आपने बोलेगा वो पानी उधर डालना चाहिए ना, हमारे घर से पानी निकल सकता है वो अपना पानी वहाँ से निकल ले, या तो प्रशासन सुधर जाए अपना काम सही तरीके से करवा दे नहीं तो हमें बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है, मेरा 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पे, स्कूल की छुट्टियां लेनी पड़ रही है और एग्जाम चल रहे हैं अभी। सिर्फ नाम है प्रशासन शहर की ओर या गाँव की ओर, विकास या कोई सुधार कोई प्रकार का नहीं हो रहा है। तो आप लोग अटेरा जी का पार्षद जी है, मैंने आप लोग कंप्लेन करी, बहुत बार कर दी कंप्लेन पर कोई सुनवाई नहीं की है हमारी, और उनका घर भी यहीं पे, या तो वो उस साइड से जाएंगे उधर भी रास्ता खराब है या इस साइड से जाएंगे तो उनको तो दिखता ही है, भले शिकायत ना भी करे तो उनका तो फर्ज बनता है ना कि वो यहाँ से सही करवाए। आधे रास्ते में वहाँ तक रोड बना दी, ज्यादा दिक्कत थी वहाँ पे, खुद ही यहाँ पे कोई मतलब भी नहीं है, वहाँ तक बनवा दी आधे रास्ते में छोड़ दी। यहाँ पे हमारे घर के अंदर पैदल भी नहीं चल सकते, यहाँ पे इसकी रोड की सही करा दो नहीं तो मैं ये धरना धरेंगी, रोड भी नहीं बनाएंगे, खंडा डाल लेंगे ढेर, तो कोई नहीं निकल सकेगा, कोई भाई निकल नहीं सकेगा। एक ही सरकार एक ही आदमी होते हुए वार्ड नंबर 78 में खूब काम हो रहा है और इधर 77 का जब नंबर आता है वार्ड का तो कहते हैं बजट नहीं है, और उधर रेलिंग का लगा रहे हैं रोड के लिए, इनके पास पैसे नहीं है, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, गाय पेड़ खा रहे हैं, अरे यहाँ इंसान मर रहा है और आपको गायों की चिंता है। एक तो क्या है वार्ड का कंपेरिजन होना चाहिए, किस वार्ड में कितना पैसा लगा है, बाकी सब मालूम चल जाए कहाँ घोटाला है कहाँ नहीं है, कहाँ का पैसा कहाँ जाता है कहाँ लगता है, बेकार में इस वार्ड को फ्री करके रखा है। हम साइकिल लेके स्कूल जाते हैं तो हमेशा लेट हो जाता है और फिर स्कूल में डांट सुननी पड़ती है, 2 बार गिर गए थे और कीचड़ होता है तो फिर पैदल जाना पड़ता है। आप लोगों ने किस दिक्कत आवे स्कूल जाने में?
हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। इधर हमें स्कूल जाते हैं बहुत कीचड़ रहता है और बहुत सी इधर गाड़ी पे स्लीप होते हैं और फिर हमारे टीचर हमें डांट लगाते हैं कि आप स्कूल पे टाइम पे क्यों नहीं आते। हमारी पूरी यूनिफॉर्म ख़राब हो जाती है। इस रोड पे बहुत प्रॉब्लम होती है, गिर जाते हैं, हमारी ड्रेस पूरी ख़राब हो जाती है। उसकी वजह से हमें मैम सस्पेंड भी कर देती है और क्लास से बाहर भी निकाल देती है। और मैम बोल रहे हैं कि आप ऐसे कीचड़ से आए तो मैं आपको स्कूल से बाहर कर दूंगी। रोड तैयार कराओ नहीं तो उन्हें कह दीजिए पटेला होटा बिचार दूल हटक बात है वाटा कतर मैन पड़ो एटा में बुढ़ा डाटा पड़ो माइकल लोला पड़े एटा पड़े हटक तैयार करो आप देखो साला नीच कटा रखो दान धरती पर ली आना जाना बंद होगा मरा अगले मेरे बाहर में काम ही नहीं होता है। सत्य तो बाहर वजह से खारिज बाहर आ गया। ये प्रॉब्लम हो गई इनके दो बार अहमदाबाद जाके आ गए बियाली बेरा में और भी बदतर हालत है उधर। रोड लाइन एक लगती है एक बंद हो जाती है एक लगती है एक बंद। इसको इसको देखता नहीं है बहुत बुढ़ा आदमी दुखी है देखता नहीं उनको दिखता नहीं है और नहीं हमारा बच्चा बोलता है और ये खादा खादा बहुत रहता है अंदर हो गई सड़क से अच्छी नहीं है और रोज रोज जैसे पानी है पानी आ जाता और फिर खराब हो जाता रास्ता। इसका लड़का भी एक है ना वो भी काम का नहीं है दिमाग ऐसा संतुलन खराब है उसका गिर गए अभी गिर गए एक महीने से तैयार हुआ है कौन देगा टीन कमाने वाला कोई नहीं है घर के अंदर। गवर्नमेंट सब टैक्सेस टाइम पे ले लेती है लेकिन जब सड़कें बनानी होती है हम पिछले 6 महीने से परेशान हो रहे हैं। सब गाड़ियाँ खराब हो रही है हमारी टायर्स खराब हो रहे हैं पर गवर्नमेंट कुछ सुनती नहीं है कुछ नहीं कर रही है। यहाँ से पूरी साइड से इधर से कितने महीनों से हमारी ये सब बंद पड़ी है। हम जाने आने में भी प्रॉब्लम होती है पूरा बाहर का रास्ता लेके जाना पड़ता है। पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ा रहे हैं टैक्सेस टाइम पे लेते लेकिन काम कुछ करती नहीं है गवर्नमेंट। हाँ महंगी करती है टंकी गरीब आदमी कैसे ले टंकी और कैसे वो अपना घर चलाता है। ऐसे ठेकेदारों को काम दे दिया है वो ठेकेदार यहाँ खुद ही करके तो चला गया मगर वापस रोड को सही करने में उसको दिक्कत आ रही है। जुलाई में काम स्टार्ट किया था बोला था चौमासा मतलब बारिश के सीजन से पहले पहले आप रोड पूरी तैयार करा देंगे और A1 क्लास के ठेकेदार को काम दिया है फिर भी ये परेशानी आ रही है। मैं पिछले 5 साल से यहाँ कंटिन्यू मेरा आना जाना रहता है। मैं सुबह ग्राउंड जाता हूँ तो यहाँ से निकलने इतनी प्रॉब्लम होती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कोई अगर बाई चांस नीचे भी गिर जाए ना सुबह ना शाम को कोई उठाने वाला नहीं और ज़्यादातर 95% लाइटें बंद रहती है और इधर आने जाने वालों की और पार्षद साहब खुद का घर देख लीजिए चारों साइड घर के लाइटें हैं इतनी आलीशान लाइटें लगा रखी है। जब वे वोट मांगने वास्ते आया हाँ आप लोगों का करने तो आप लोग हैं समस्या वहाँ बताइए। उस समय ये रोड खुदी हुई नहीं थी उस समय कोई समस्या नहीं थी मगर आज तक दिक्कत भी बारिश के समय ही आई है। यहाँ पूरा कीचड़ अगर पैदल भी जाना चाहो तो आप नहीं जा सकते हो। सामने वाला रोड पे ही घर है जो व्हीकल निकलता है ना तो वो पानी के छींटे उतले कभी तो मुंह पे कभी घर पे सारा घर भर देते है मेरा। अभी परसों जैसी भी बुला के थोड़े बहुत बुराए थे और वापिस हो गए देख लो। ये सरकार अपने खुद वादे करती है लेकिन करती कुछ नहीं है। कोई भी गाड़ी निकलेगी तेज रफ्तार से अपने टोटल कपड़े पूरे कादे कीचड़ से गंदे हो जाएंगे फिर वापस घर जाओ फिर चेंज करो फिर ड्यूटी पे जाओ। इतनी सड़क ज़्यादा खराब है कि बारिश में बच्चों को ले जाने इतनी दिक्कत है। अभी भी इतने कादे हैं अभी इतने खोच रहे हैं तीन तीन बच्चे कैसे लेके आए हैं। स्कूटी कितनी बार स्लिप होती है कोई नहीं मानता है और फिर बारिश में तो इतना कीचड़ होता है जो पास में गाड़ी चलती है वो ऊपर से ही आता है कीचड़। और मैडम कहती है लेट कैसे हो जाते हैं लेट तो बच्चे ऐसे हो जाते हैं इतने गड्ढों में से निकालते हैं तो धीरे धीरे व्हीकल जाएगा ना। पार्षद साहब के पास 4-व्हीलर है उनको तो कोई दिक्कत है नहीं जो स्कूटी पे या जिनको 2-व्हीलर का है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे बच्चे जो साइकिल लेके जाते हैं उनको प्रॉब्लम है। लोग बनवाने के लिए बोलते हैं वो तो छोड़ो जो बनी हुई थी उसको खराब करके छोड़ दिया और बनाने का कोई नामो निशान ही नहीं है। ये तो प्रेशर हो रही है बारिश में तो पैदल भी नहीं चल सके इन मेहनत तो। इतनी रोड खराब है देखियो आप आज रे वीडियो में कि लोग कितना ज़्यादा परेशान है रोड की हालत कितनी खराब है चाहे बच्चों हो चाहे बूढ़ो हो वो चाहे जवान हो वो फिर भी एज रहे आप लोगों ने देख लो हैंग लोग जी का है वो बहुत ज़्यादा परेशान है आउन जाउन में बहुत तकलीफ हो रही है। और जदे मैं लोग पार्षद जी ने फ़ोन करिया तो वह कहे कि वे लोग घर में नहीं है बाहर वे बाहर गए है कि काम री वजह से तो पार्षद जी में बात नहीं हो पाई है आमने सामना। पर आप फिर वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि आज की आवाज़ है 18 लोगों की वह आगे तक पहुँचे प्रशासन तक पहुँचे और जिसको प्रशासन है वो जल्दी से जल्दी इरमाते कोई एक्शन लेवे समस्या और समाधान निकाले। अगर आप रे वार्ड में भी अड़ी कोई तकलीफ आ रही है तो आप कमेंट करने जरूर बताइए जो माने सब्सक्राइब करना मत भूल जो झलको जोधपुर रे चैनल ने घंटी वालों जिसको बटन है वो तो दबाना ही है ताकि जितना भी नया वीडियो आवेला आप रे कने नोटिफिकेशन आ जावेला। जय हिंद जय जोधाणा।